जवा तहसील के नायब तहसीलदार उमेश तिवारी द्वारा गड़वा खरीदी केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया, जहां बहुत बड़ी गड़बड़ी निकल कर सामने आई है, जहां किसान से 42 किलो 200 ग्राम धान ली जा रही थी। मौके पर मौजूद तहसीलदार ने धान की बोरी जब्त कर सीमित प्रबंधक और खरीदी प्रभारी के खिलाफ थाने में FIR के लिए पत्र लिखा गया। वहीं किसानों ने बताया कि हम लोगों से खरीदी केंद्र में 5 रुपए तौलाई ली जा रही है। वहीं इस केंद्र में केवल व्यापारियों की धान की खरीदी फरोख्त की जा रही थी। वहीं गड़बड़ी पर खरीदी प्रभारी से वसूली की जाएगी। वहीं इस कार्यवाही से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। इसके पहले कोनी में भी इसी तरह का मामला सामने आया था। वहीं मौके पर नायब तहसीलदार ने कहा कि जिला कलेक्टर के निर्देशन पर गड़बड़ी करने वालों कर्मचारियों पर सीधे कार्यवाही की जाएगी। इस मौके पर कई किसान मौजूद रहे। नमस्कार रीवा, मैं हूं भानु पंडित और मैं हूं अनीता भट्ट और हमारे यहाँ आपके शहर रीवा 11 दिसंबर 2022 कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक सुरों की महफिल सजाने जिसका नाम है उड़ान शाम गजल, एक शाम सूफी संगीत के नाम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप सभी आए वहाँ पे इस संगीत में शाम का हिस्सा बनने के लिए। और हम दोनों स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते हैं अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की तरफ से अनामिका शुक्ला जी का, जिन्होंने हमें शहर आमंत्रित किया। तो सी यू ऑल दैट।